तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो सर, इस प्लेटफॉर्म पे आपको नीट की सारी जानकारी मिलेगी, बोर्ड्स की सारी जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो एआर एजुकेशनल हब है इसको थोड़ा सा और ग्रोथ मिलाए। और मैं चाहता हूं कि इसमें सारी तरह की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवा सकूं, चाहे वो आईआईटी जेई की हो, नीट की हो, या फिर यूपीएससी जेपीएससी जितनी भी सिविल एग्जाम्स होते हैं उनके भी, और चाहे वो आप 8, 9, 10 की भी पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि उन सभी के आप लोगों की प्रिपरेशन करा पाऊं। तो आप लोग का साथ बिल्कुल ऐसे ही रहेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि मैं आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पर अपने चैनल पे थ्रू बिल्कुल दे पाऊं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बिकॉज अभी एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा महंगा है, तो मैं चाहता हूं, देखिए अभी एजुकेशन चैनल की अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो काम कर रहे हैं वो है फिजिक्स वाला सर, अलक पांडे सर जो है वो बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स करवा रहे हैं अपने चैनल पे। आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल पे भी फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जहां पे आपको जहां मर्जी करती है आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसका हमने यहाँ पर नाम रखा है संभव क्रैश कोर्स, क्योंकि फ्रेंड्स अब तो शायद 2 ही 3 मंथ बचे हैं नीट को, तो बिल्कुल ये संभव हो सकता है क्रैक कराने का, तो बिल्कुल हमने इसका नाम रखा है संभव क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया अपने चैनल का और मैंने खुद का। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ। ठीक है, और मैं बिल्कुल आप लोगों को बायोलॉजी की टीचिंग कराता हूं। और जो भी अभी का इंपॉर्टेंट सबसे बात मैं कह दूं कि देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पढ़ाई तो सब करते हैं, बट सबसे पहले उनको पता रहना चाहिए नीट में। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको लगेगा कि भाई सभी पढ़ ले, इतने सारे यार चैप्टर्स हैं, पूरा का पूरा 11, 12 कवरअप कर ले, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है सर, इसमें वेटेज होते हैं। वेटेज किसको बोलते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा लोगे और पढ़ लोगे, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको पहले उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा उसको समय देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा मार्क्स कैरी कर पाओगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी आपका 360 मार्क्स का होता है, तो ज्यादा ज्यादा फोकस आपका उसी रहना चाहिए। बिकॉज अगर कोई सोचे कि मैं बिल्कुल केमिस्ट्री करके 360 ले आऊंगा, मैं बायो करके 360 ले आऊं, तो भाई ऐसा नहीं होता है। बायो आपका जूलॉजी और बॉटनी मिलाकर 360 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 एंड फिजिक्स 180 का होता है। ठीक है, ओवरऑल जो पूरा टोटल होता है 720। और लगभग आपको अच्छे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है भाई, तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2020 की, तो स्थिति बेहद गंभीर थी। लगभग आपको 600 समथिंग, 610 समथिंग अगर मार्क्स आते हैं, 610, 620, तब जाके समझ लो आपको अच्छा खासा एक कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो चलिए बातें हम लोग नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसमें 2 पार्ट बनाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। बायोलॉजी का भी बना रहा हूं, उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें केमिस्ट्री का, एक और फिर फिजिक्स का। बिल्कुल इस तरह से अगर प्रिपरेशन करोगे, देखिए कोई फोर्स और कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो तो भी बिल्कुल नीट क्रैक करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए यूजफुल है, सही है, तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए बायोलॉजी और बॉटनी इसको मिलाकर आपके पास, देखिए यहां पर 10 चैप्टर्स हैं भाई। आपको ही पता है कि आपके पास चैप्टर बहुत हैं। ठीक है, अगर 11, 12 से मिला लें तो चैप्टर बहुत से आपके पास, बट उनका भी एक पार्ट बना हुआ है। जैसा कि देखिए, अगर चैप्टर्स की बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो हो गया ये हमारा फर्स्ट हो गया, और उसी के बाद बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट्स, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इतना ही कुछ आपको पढ़ने हैं, समझ लीजिए इतना ही कुछ में आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही आपके पास है बुक में। वो जो भी आपको दिखता है कि 11 में मेरे पास 12-13 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, भाई तो ये सारा उसी में इंक्लूड है, समझ लो। जो भी आपके चैप्टर्स है 50, 250 जो भी समथिंग, जो भी चैप्टर्स है, वो सारा बिल्कुल और बिल्कुल इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि आखिर इसका वेटेज कितना है, कितने क्या क्वेश्चन, मान के चलिए ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है भाई, इससे कितने क्वेश्चन नीट में आते हैं, अभी तक में जितने भी नीट के आए हैं क्वेश्चंस, उसमें कितना ये अपीयर करता है, ये जरूरी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं हम लोग इस पूरे वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी, चलिए जान लेते हैं। इन सारे चैप्टर्स की अगर हम वेटेज की बात करें तो देख सकते हो आप, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की जो भी जो वेटेज है नीट में वो है 14%, यानी 14% इसके वेटेज है क्वेश्चन के आने के इसके। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर की बात करें एंड फंक्शन की, तो 5% इसके हैं, ठीक है, चांसेस हैं। उसके बाद अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल प्लांट एंड एनिमल एंड प्लांट की बात करें तो 9%। प्लांट फिजियोलॉजी से आपका 6% का पार्ट है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी, समझ लीजिए ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप डॉक्टर बनने वाले हो
तो समझ लीजिए 20% जो पूरा पूरा सिलेबस कवर करता है, 20% का सिलेबस ये कवर करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो 9%, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की बात करें तो 18%। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक और मेंडेलियन जेनेटिक और इवोल्यूशन, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़िएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की, तो उसके हैं चांसेस 3% के। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर उसका है 4% चार्ज, एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो समझ लीजिए इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से आपके पास यहां पर 12% इसके वेटेज हैं। समझ लीजिए 14%, 5%, 9%, 6%, 20% जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, 9% रिप्रोडक्शन का, 18% जेनेटिक इवोल्यूशन, 3% बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, 4% बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, एंड 12% जो है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स का। तो देखिए ये जो भी मेरा वेटेज है ये बिल्कुल, देखिए मैं कोई बिल्कुल आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको इसको फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट, तो हमने वेटेज की बात कर लिया क्वेश्चंस का, अब कौन कौन से पार्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो उसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट की इसकी। अब फ्रेंड देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कितने वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के, क्या वेटेज होते हैं नीट में, क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस के, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना बेहद जरूरी था आप लोगों के लिए, तो मैंने वो आपको वेटेज बता दिया। अब मैं बताता हूं कि सबसे ज्यादा अगर फोकस आप लोगों को करना है, मैंने फिर से कहा आप लोगों को अगर विश्वास करनी है तो बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, नहीं तो फिर जिस तरह से आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप उस तरह से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जिसको जैसा पढ़ना पसंद है वो उसी अनुसार पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया था वेटेज, अब बात करते हैं किस पे सबसे ज्यादा फोकस करने का चीज है। मीन्स कभी कभी कोई ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसपे आप पूरा ज्यादा प्रेशर लगा देते हो बट उसका कोई फायदा ही नहीं है भाई, ठीक है। तो कोई ऐसा ऐसा टॉपिक्स है जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखना पॉसिबल तो नहीं है बट आप बिल्कुल सुन सुन के नोट कर सकते हो, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन जो है उसके एल्गी के और पिगमेंट के, देखिए क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी एंड देयर पिगमेंट्स, जो भी उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गीज होते हैं और उनका पिगमेंट्स होते हैं उन सभी को जरूरी है कि आप बिल्कुल याद करो, ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर ऑफ पेटिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, इसको भी बिल्कुल आप पढ़ोगे, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग भाई इसको हल्के में ले लेते हैं, वही बात हो गई, हल्के में ले लेते हैं हम लोग इसको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है वो बहुत कम है, समझ लीजिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये बिल्कुल आपको पढ़ना ही है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहां पर स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स की, तो सर इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, समझ लीजिए ये पार्ट, रूट स्ट्रीम एंड लीफ एनाटॉमी, एनिमल टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, चाहे वो जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो आपको बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो बेहद जरूरी पार्ट है, ठीक है। बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, तो इसमें आपको पढ़ना है माइकोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और मियोसिस और प्रोफेज, ये बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन किस प्रकार होता है, कब कौन सा फेस आता है, ये बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कब कौन इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी फिर इसमें सीरीज वाइज पूछ देता है कि पहले कौन सा फेज आएगा, S1 या फिर G1, ये सब बिल्कुल फेज इस टाइप का पूछता है आपसे यहाँ पर नीट एग्जाम में, तो बिल्कुल ये पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए। फिर प्रो फेज आता है, एना फेज आता है, कौन सा फेज आता है, ये बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, तो इस बात को सीक्वेंस जो है इसको बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए आपको पढ़ना है यहाँ पर C3 और C4 साइकिल, C3 और C4 साइकिल दिया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी में। फिर क्रेंज एनाटॉमी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उसका सीक्वेंस होता है आपसे स्टेप पूछ देगा, फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस का बताइए, सेकंड स्टेप बताइए, थर्ड स्टेप बताइए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आप लोग से पूछा जा सकता है ETS कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद फोटोपीरियोडिज्म जो भी है वो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, वो भी उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन पुल, ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बल्क मूवमेंट इन फ्लोएम, जो बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लोएम है वो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिनरल डेफिशिएंसी एंड नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से नाइट्रोजन वहां रिलीज हो रहा है ये बिल्कुल जान लीजिएगा, नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है नीट एग्जाम में, इस बार शायद 2020 में या फिर 2019 में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था, ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसके में देखिए आपको जितने भी टॉपिक्स है इसका स्पेशली डायग्राम और वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम से भाई क्वेश्चन पूछ देते हैं। लेबलिंग दिया रहेगा भाई, बताओ यहाँ पे क्या है,
ये बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस बार नीट 2020 में आपसे पूछा गया था सिरोसा, फिर ये सब जितने भी लेयर होते हैं इसके, वो बिल्कुल आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, पहले कौन होता है, सेकंड कौन होता है, थर्ड कौन होता है, ये बिल्कुल यहाँ पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों की अगर रिप्रोडक्शन की, तो गेमेटोजेनेसिस इन प्लांट, गेमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक प्लांट है, एक ह्यूमन है, ये बिल्कुल, ये भी पार्ट पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट एंड एनिमल, फिर पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पिक, एपिमैक्सिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल क्वेश्चन पूछते ही हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन इससे आता ही है। ठीक है, उसके बाद बातें करें अगर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की, तो इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस लिंकेज, को डोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री एनालिसिस, और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जेनेटिक डिसऑर्डर से। फिर इसमें जो भी आप लोगों को भी ये बिल्कुल आना चाहिए, निकालने आना चाहिए, 9:3:2 जो भी इसका सीक्वेंस है वो बिल्कुल, ये सबको आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डार्विन एंड नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बीटी कॉटन, आरएनए और ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये बिल्कुल आपको आना चाहिए। डायग्नोस्टिक्स, सॉरी डायग्नोस्टिक्स, ये बिल्कुल आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की, तो ह्यूमन इम्यूनिटी, उसके बाद है एड्स, कैंसर और ड्रग्स। ड्रग्स की आपको जानकारी बिल्कुल और बिल्कुल होनी चाहिए, ड्रग्स में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। एड्स डे कब मनाया जाता है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, फिर एचआईवी में कौन सा आपको यहाँ पे वैक्सीन लगता है, या फिर कैंसर में, ये सब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये विडाल टेस्ट किस वजह से होता है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी की बात करें, तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहां पर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की, तो यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायो जियो केमिकल साइकिल से, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, एडेप्टेशन एंड सक्सेशन। तो ये आपके बायोलॉजी के कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर इसको नहीं सुना होगा, तो एक बार रिवाइंड करके बिल्कुल आप सुन लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल गया क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो थोड़ा बड़ा बने और टाइम आपका वेस्ट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फास्ट बोल दिया है। तो जिनको भी अगर प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल एक बार रिपीट करके इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, स्लो करके। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो जो आपको पढ़ना बेहद जरूरी है बोर्ड, सॉरी यहाँ पर नीट के लिए। तो अगर बिल्कुल इसको फॉलो करना है, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आप अगर जो भी आप शेड्यूल बनाए रखा है उस हिसाब से पढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, और हमारे चैनल से जुड़े रहे, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इसका सेकंड पार्ट जो है केमिस्ट्री का, वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।